वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो हे गाइस, आज रिक्वेस्ट बहुत सारा था कि किचन में थैंक यू को कैसे टैग करें, तो ये मेरे किचन का तौलिया है जिसको मैं अपना खास करके हैंड पोछने के लिए रखती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊँ कि इसको कैसे टैग कर सकते हैं। तो खास करके किचन में तो ज़्यादा कोई डिज़ाइन वगैरह करने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर एक या दो या तीन, आइए मैं बताती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये मेरा हैंकी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने हैंकी को ऐसे नॉर्मली इस तरीके से, ये इस तरीके से तो अपने इस साइड में कट कर इस तरीके से। तो ये बड़ा हैंकी है, तो ये बड़ा हैंकी है तो ज़्यादा अच्छा है, हम काम करते करते अपने हाथ खोल सकते हैं। और हम जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते क्या है, कभी कभी काम करते रहते भूल जाते हैं, तो या तो चुन्नी ली है तो ऐसे ऐसे चुन्नी में पोंछ लेते हैं, या तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। मेरा बेबी छोटा है तो बहुत सर आते रहते हैं मम्मा मम्मा करते करते, तो मुझे जब उठाना होता है तो मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ और फिर उसको उठा लेती हूँ। तो ऑल टाइम तो उसको टक करके मैं रखती हूँ, लेकिन रखना चाहिए। तो चलिए अब मैं दूसरा टेक्निक बताती हूँ। तो एक तो मैंने बताया ऐसे, और दूसरा देखिए इस तरीके से उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और हम अपने हैंकी को ना चौड़ा ही रख देंगे। ठीक है, ये भी किचन में हाथ पोछने के काफी यूजफुल। मैं इसलिए किचन का ही टॉलिया यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। तो स्टाइल हो गया, अब मैं आपको इस तरीके से फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर दिए इसके इस कॉर्नर को हम यहाँ टक कर देंगे। ठीक है, जब भी हमको जरूरत हो हम इसको खींच के बता दें। ओके, फिटिंग हो गया, यहाँ को अब चौथा रखा। इस तौलिया को मैं उस साइड क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि किचन में हम इस साइड या उस साइड नहीं करते, किचन में हम अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं एक साइड टक करते हैं। तो चलिए चौथा स्टेप, ये हम अपने तौलिया को बीचों बीच पकड़ के इस तरीके से झाड़ देंगे। झाड़ देने से होगा क्या कि ये इस तरीके से बन जाएगा, और इसके इस कॉर्नर को, इसके इस कॉर्नर को हम यहाँ ले जाके टक। तो ये भी हमारे हाथ पोछने के काफ़ी यूजफुल है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये मेरा तौलिया इस तरीके से, इस तरीके से मैं इसको छोटा कर दी। अगर आप नहीं चाहते कि मेरा तौलिया दिखे, किसी को पता नहीं चले कि मैं किस काम के लिए यूज कर रही हूँ, तो आपको इस तरीके से, इस तरीके से इसको यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको लेके ऐसे तो कहीं जाना ही जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके का इसका छोटा, इसको छोटा बना के आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। चलिए इस तरीके से, इस तरीके से को इस तरीके से करके आप बोलते हैं कि इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से अरेंज कर देंगे, और अब हम इसको ले जाके यहाँ इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है, बस अपने आप हैंकी को खींचना है, हाथ रफ करना है, और फिर वापस ले जाके इसी टाइप से रफ कर देना, कोई मेहनत नहीं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि हमको किचन में इसको यूज़ करना है, कोई बाहर घूमने नहीं जाना, कहीं बाहर टक करके नहीं जाना, तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. हे गाइस सॉरी, बीच में जो भी ना आवाज़ आ रहा है, अब मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़ोर की पानी हो रही है. सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.